खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा सरकार ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत ने कनाडा के इस एक्शन को लेकर कहा कि उसे कनाडा की ओर इस संबंध में कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में कोई विशिष्ट सबूत या प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है और कोई औपचारिक संदेश भी प्रदान नहीं किया गया है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में गिरफ्तार 3 भारतीयों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। कनाडा ने हमें गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया है, लेकिन हमें कोई औपचारिक संचार नहीं मिला है। पिछले हफ्ते कनाडा की एजेंसियों ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें निज्जर की हत्या के मामले में आरोपित किया है। कहा कि ये तीनों स्टूडेंट वीजा पर कनाडा आए थे। जायसवाल ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक हित कार्य कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में कोई विशिष्ट या प्रासंगिक सबूत या जानकारी कनाडा की अथॉरिटी द्वारा हमें नहीं दी गई है। हम कई बार कह चुके हैं कि अलगाववादी, अतिवादी और हिंसा की पैरवी करने वालों को कनाडा में शरण मिल रही है। कनाडा में नियुक्त भारतीय राजनयिकों को कई बार धमकियां दी गई हैं और उन्हें कर्तव्य निर्वहन से रोका गया है। भारत ने कई बार कनाडा के अधिकारियों को अवगत कराया है कि भारत में संगठित अपराधों से जुड़े लोगों को कनाडा में प्रवेश और उन्हें वहां रहने की अनुमति दी गई है। दुर्भाग्य से भारत की इन तीनों बातों पर गौर नहीं किया गया। भारत में वांछित बहुत से लोगों के प्रत्यर्पण के अनुरोध पत्र इस समय कनाडा में लंबित हैं।